हाय गुड मॉर्निंग सलाम अलैकुम। आज हम लोग का जो ट्रेनिंग है HSC इंडक्शन, हम लोग का हमारा कंपनी में कोई भी नया आदमी ज्वाइन करने सप्लाई वाला सब कॉन्ट्रेक्टर नहीं तो कंपनी के एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय आने के टाइम हम लोग उन लोग का काम करने का अलाउ करने के पहले हम लोग ने सेफ्टी HSC इंडक्शन कंडक्ट करता। मेरा नाम शंकर है, मैं सीनियर HSC ऑफिसर है। आज आप लोग का काम करने के पहले अपना कंपनी के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद अपना कंपनी में कौन सा एक्टिविटी चल रहा वो एक्टिविटी सेफ्टी तरीके सेफ तरीके से कैसा आप लोग ने काम करना इसके बारे में आज ट्रेनिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में इतना भी जो कंटेंट से वो आएगा कंपनी के बारे में क्या डिटेल्स, उसके बाद कंपनी क्या क्यों HSC पॉलिसी, फिर HSC प्लांट और रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्प्लॉयज रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन वर्क प्लेस हजार्ड, रिस्क असेसमेंट ऑफ वर्क, ये सारे डिटेल्स हम लोग ने जो आगे जो स्लाइड्स है उसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग का अपना एस्ट्राम अपना कंपनी है वो कंपनी के प्लांट में जो प्लांट का रूल्स है यही है, सब लोग सभी एक आदमी जितना भी आदमी का काम कर रहा सब लोग कंपनी का HSC पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ऑल एम्प्लॉयज परमानेंट और टेम्पररी मस्ट अटेंड द HSC इंडक्शन। पहले बताया ना जो भी आदमी इधर काम करने के लिए आया कंपनी के एम्प्लॉय सब कॉन्ट्रेक्टर सप्लायर विजिटर सब लोग फैक्ट्री विजिट करने के पहले नहीं तो काम शुरू करने के पहले HSC इंडक्शन में अटेंड करना चाहिए। सब लोग का PPE जरूर पहनना चाहिए। PPE मतलब तो आप लोगों को मालूम है ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो बेसिक PPE जो विजिटर का होना चाहिए, बाकी काम के हिसाब से सब लोग PPE इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद स्मोकिंग, जो सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीना हम लोग का फैक्ट्री के अंदर अलाउड नहीं भाई, कोई पीने वाला हो तो हम लोग ने बीड़ी सिगरेट पे याद हो गया पीने वाले तो काम करने जगह पे अलाउड नहीं। स्मोकिंग एरिया है कुछ जगह पे फैक्ट्री में दो तीन जगह पे स्मोकिंग एरिया है, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला स्मोकिंग एरिया में यूज करना पड़ेगा, वर्क प्लेस में अलाउड नहीं। उसके बाद केमिकल स्पिलेज, इधर हम लोग ने अपना प्लांट के अंदर बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल करना, केमिकल से तरीके से उसका स्टोर करना हैंडल करना, इन केस केमिकल स्पिलेज हो गए तो जो अपना इंचार्ज सुपरवाइजर वो लोग का इन्फॉर्म करना चाहिए, वो लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा, हम लोग उसके बाद स्पिल रिस्पॉन्स हम लोग ने करने का स्पिल रिस्पॉन्स कैसे उसका स्पिल रिस्पॉन्स करना हम लोग का ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया हुआ वो लोग फॉलो करेंगे। स्पीड लिमिट अपना फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 10 km/h, इससे ज्यादा अलाउड नहीं फैक्ट्री पे, क्योंकि आदमी लोग इधर ज्यादातर आदमी लोग इधर उधर आदमी मूवमेंट है, उसके बाद दूसरा गाड़ी व्हीकल मूवमेंट है सब कुछ है, इसलिए बहुत सारे जगह पे हम लोग ने हम भी बना के रखा स्पीड किलोमीटर मैक्सिमम 10 km। सप्लाई ट्रेलर, इधर अपना कंपनी ट्रेलर के अलावा और बार का सप्लाई का ट्रेलर भी है रेंटल ट्रेलर, वो लोग ड्राइवर कोई भी है वो लोग जरूर PPE वगैरह पहनना चाहिए। फिर कुछ रॉ मेटेरियल ट्रेलर लेके आया था वो लोग ने ट्रेलर अपलोडिंग करके वो उसको ट्रेलर का नीचे बिल्कुल नीचे होने के बाद ही मूव होना चाहिए, ऐसे एलिवेट पोजिशन में नहीं जाना चाहिए, वो गाड़ी टोपी होने का खतरा है। इधर हम लोग ने फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा सेफ्टी साइनेज बना के रखा, पोस्ट भी साइनेज भी उधर उधर बहुत सारा एरिया में लगा हुआ, सब लोग इस साइनेज का देखना उसको फॉलो भी करना चाहिए। उसके बाद काम करने के टाइम इधर बहुत सारा मशीनरी भी है इक्विपमेंट भी है, उसमें काम करने के टाइम कुछ बिजली की मशीनरी भी है उसमें काम करने के टाइम आप लोग ने सेफ्टी उसका सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट हर एक आदमी नहीं चला सकता, उसके लिए ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर का हम लोग ने ट्रेनिंग दिया, थर्ड पार्टी वाला ने वो लोग इंस्ट्रक्शन किया वो लोग ट्रेनिंग दिया
उसके बाद उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया, फिर सर्टिफिकेट दिया। हर एक आदमी ऐसे मशीनरी नहीं चला सकता, उसके लिए थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑपरेटर है और ट्रेन एंड सर्टिफाइड ऑपरेटर वो लोग ऑपरेट कर सकते। अपना फैक्ट्री एरिया के अंदर कोई भी इलीगल ड्रग्स, फायर आर्म्स, कोई अल्कोहल मटेरियल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई प्राइवेट गाड़ी, कंपनी गाड़ी के अलावा कोई प्राइवेट गाड़ी कंपनी प्रेमिस के अंदर उसको सफाई करना अलाउड नहीं। अपने काम करने एरिया पे हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, उसका वेस्ट का भी प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। उसके बाद इधर कहीं बहुत सारे जगह पे हम लोग ने वाटर फैसिलिटी है, दो तीन जगह पे है जो ड्रिंकिंग वाटर, फिर जो वॉशरूम फैसिलिटी भी है दो तीन जगह पे, इसको ऑलरेडी साफ सफाई है। आप लोग ने इस्तेमाल करने वाला भी उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके जो क्लियर रखना चाहिए। इधर का कानून का हिसाब से कानून ने क्या बता रहा, हर एक आदमी अभी वर्कर्स का रिस्पांसिबिलिटी है, वर्कर एम्प्लॉय आप लोगों का रिस्पांसिबिलिटी है, आप लोग ने अपने हेयर करना चाहिए, अपने बचना चाहिए खतरा से, आपका वजह से दूसरा कोई आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना वातावरण एनवायरमेंट, अपना एनवायरमेंट का भी हम लोग ने हेयर करना चाहिए। फिर कंपनी का HSE हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फॉलो करना चाहिए हर एक आदमी। आपको काम करने जगह पे किसी के भी कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बाय चांस कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग ने इमीडिएटली अपना सुपरवाइजर का रिपोर्ट करना, सुपरवाइजर HSE डिपार्टमेंट में इंफॉर्म करें। अगर कोई छोटा मोटा हुआ तो हम लोग का जो कोई माइनर इंजरी हुआ तो हम लोग का फर्स्ट एड रूम में अपना ट्रेंड में फर्स्ट एड भी है, मेल नर्स भी है, इधर वो लोग इलाज करेगा। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग अपने हॉस्पिटल जाने के लिए अरेंज करेंगे। इधर कंपनी में आप देखा हुआ जो पुराना आदमी लोग का मालूम है, कोई नया आदमी आप लोग आएगा तो इधर बहुत सारा जगह में हम लोग ने फायर एक्सटिंग्विशर रखा, उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। खाली फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, कुछ लोग क्या करता है सेफ्टी शू पहनना भी बराबर नहीं पहनता, उस वजह से क्या होता है सेफ्टी शू जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए जो भी चीज कंपनी फ्री में आपका दे रहा उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा कंपनी के जो प्रॉपर्टी उसको आप लोग मिसयूज नहीं करना चाहिए। कोई भी लिफ्टिंग एक्सेसरी मान लो क्रेन है, फोर्कलिफ्ट, ऐसा कोई भी लिफ्टिंग मटेरियल है उसको आप बिना थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट से आप लोग ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इवन आपने सर्टिफिकेट ऑपरेट भी हो सकता लेकिन जो इक्विपमेंट का ना जैसा फोर्कलिफ्ट है, क्रेन है, जो भी इक्विपमेंट है उसको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा उसको ऑपरेट करने का अलाउड नहीं। इधर अपना प्लांट के अंदर जो मेन चीज है, मेन खतरा है कॉमन वर्क प्लेस हजार। इधर अब हम पहले भी बताया था इधर मूविंग पे, इधर ट्रेलर, फोर्कलिफ्ट और बस, और इसके अलावा जो छोटा गाड़ी, हर एक गाड़ी इधर मूवमेंट है, ये बहुत खतरा है। इसको आप लोग ने जो रोड एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस करने का टाइम उस बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इधर तो कॉन्क्रीट का काम है, कॉन्क्रीट काम हो तो रॉ मेटीरियल से नहीं तो कॉन्क्रीट जब बेचिंग करने का टाइम डस्ट एमिशन भी है। उसके बाद पहले बताया था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपने फैक्ट्री के अंदर है वो भी खतरा है, उसको भी पूरा सेफ तरीके से हैंडल करना चाहिए। फिर नाइस इधर तो इधर का जो कानून के हिसाब से एक आदमी 8 घंटा काम करता तो उसका जो मैक्सिमम जो उसका साउंड है काम करने एनवायरमेंट में मैक्सिमम साउंड लेवल 85 डेसिबल होना चाहिए 8 घंटे में। अगर 85 डेसिबल से ज्यादा हो गए तो क्या उसको उसके लिए ईयर प्रोटेक्शन देना चाहिए। अनसेफ लिफ्टिंग ये भी एक खतरा है, फॉल फ्रॉम हाइट
जब उच्चाई पे आदमी काम करता है उसमें गिरने का चांस है। इम्प्रॉपर मैनुअल हैंडलिंग, स्लिप ट्रिप एंड फॉल एक्सेट्रा, ये जितना भी बताया ये सब इधर का जो अपना काम करने जगह पे हजार। अभी रिस्क असेसमेंट, आप लोग ने तो पहले पहले दूसरा कंपनी में काम किया होगा, नहीं तो दूसरा देश में अभी दूसरा गल्फ कंट्री में भी आप लोग काम किया होगा। कुछ लोगों का मन में रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क इज डिफाइंड द प्रोबेबिलिटी देन हजार्ड कैन कॉज हार्म और डैमेज एंड द पोटेंशियल सिवियरिटी वंस इट कॉज्ड टू कॉज हार्म और डैमेज। जो रिस्क है हो सकता है वो रिस्क की वजह से आदमी लोग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, खतरा उसको कोई इंजुरी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकता है, उसके बाद अपना एनवायरमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कोई अपना हम लोग ने या वर्कर आप लोग हम सब लोग एक वर्कर है, जितना भी वर्कर है काम करने का टाइम अपना काम में क्या खतरा है ये सबसे पहले असेस करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का काम करने का टाइम काम में क्या खतरा है आप लोग का मालूम पड़ेगा तो फिर उसको कंट्रोल कर सकता है, आपको खतरा ही मालूम नहीं तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल। इसीलिए अपना काम करने एरिया में पहले असेस करना चाहिए, चेक करना उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, कैसे संभाल के काम करना आपको मालूम होना चाहिए। परमिट टू वर्क, इधर हम लोग का कुछ काम के लिए परमिट बढ़ना पड़ता है, जैसे परमिट का क्या जरूरत है, परमिट टू वर्क सिस्टम रिटर्न डॉक्यूमेंटेड यूज। हम लोग ने एक काम करने के टाइम कोई नॉन रूटीन काम करने के टाइम उसके लिए परमिट बनाता है, वो परमिट का मकसद यही है जो हजार्ड एक्टिविटी जैसा लिफ्टिंग है और कंफाइंड स्पेस, हार्ट वर्क और वर्कआउट हाइट, ये चार आइटम चार, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क, ये पांच काम के लिए हम लोग का परमिट बनाना पड़ता है। जो कंसर्न फोरमैन ऑपरेटर वो लोग ने काम शुरू करने के पहले परमिट जरूर बनाना चाहिए, उसके बाद काम शुरू करने के पहले अपने आदमी का भी ब्रीफिंग करके उसके बाद काम शुरू करें, काम होने के बाद परमिट क्लोज करके अपना रिकॉर्ड में होना चाहिए, हम कोई ऑडिटिंग आएगा तो भी हम लोग ने ऑडिटर का शो कर सकते हैं। ये परमिट कार्ड है, लिफ्टिंग ऑपरेशन, अपना फैक्ट्री में जो हेवी इक्विपमेंट उठाया है शिफ्टिंग करने के लिए उसका लोड करने के लिए हम लोग ने मोबाइल क्रेन इस्तेमाल करना, मोबाइल क्रेन इस्तेमाल करने के उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले उसका जमीन कंडीशन, जमीन ना कंडीशन गुड कंडीशन होना चाहिए, ग्राउंड कंडीशन, उसके बाद ऑपरेटर कोई भी लोड उठाने के पहले वो लोड का कैपेसिटी उसका वेट कितना ऑपरेटर का मालूम होना चाहिए, उसके बाद काम शुरू करने के पहले क्रेन का प्री इंस्पेक्शन करना, जो अपना लिफ्टिंग एरिया का भी असेस करना चाहिए, फिर क्रेन का जितना भी अपना लिफ्टिंग एरिया पे कंप्लीट बैरिकेशन करके उसमें साइन वार्निंग साइनेज भी होना चाहिए। लोड हेवी लोड का कंट्रोल करने के लिए स्पेशली जब हवा ज्यादा आता ना जो विंड उसी टाइम कंट्रोल करने के लिए दोनों तरफ से टैग लाइन होना चाहिए, रस्सी बांधना चाहिए, उसके बाद ऊपर का पावर लाइन ये भी ख्याल रखना पावर लाइन से दूर रहना, पावर लाइन और क्रेन का पर्टिकुलर दूर रहना चाहिए, जैसा क्रेन का जो पावर का इलेक्ट्रिकल पावर का जो वोल्टेज के हिसाब से उसका लिमिट है, जो दूर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद इधर का जो कानून के हिसाब से जो विंड स्पीड जो हवा का तेज है ना, हवा का तेज 35 तक पहुंचेगा तो काम रुकना रुका लिफ्टिंग का बंद करना चाहिए, जब 38 किलोमीटर का ऊपर हवा आएगा तो आप लोग ने क्रेन का बूम बंद करके क्रेन क्लोज करो, लिफ्टिंग एक्टिविटी सस्पेंड करना चाहिए। उसके बाद लिफ्टिंग के लिए पहले मैं बताया था परमिट, लिफ्टिंग परमिट भी जो लिफ्टिंग सुपरवाइजर है वो लोग लिफ्टिंग परमिट बना के सबका ब्रीफिंग करके उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए, जब काम खत्म होने के बाद उसका परमिट क्लोज करके क्लोज आउट करके उसका फाइल करना चाहिए। अब देखिए बैरियर, आउटरिगर, टैगलाइन,
सिग्नल में जो सर्टिफाइड रिगर पे सर्टिफाइड रिगर होना चाहिए। जब नीचे लिखा होगा जब जो कंडीशन जो अपना काम का जो जनरल कंडीशन अनसेफ समझे तो काम इमीडिएटली बंद करो। मान लो हवा ज्यादा आ रहा है, उसके बाद जब लिफ्टिंग का जो क्रेन का कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई भी इमरजेंसी हालत में काम बंद करो, अपना इंचार्ज का इन्फॉर्म करना चाहिए। अनसेफ काम कभी भी नहीं करना। वर्कर टू हाइट, जब ऊंचाई पे काम करता है उसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या, काम शुरू करने के पहले प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, उसके बाद ऊंचाई पे काम करने टाइम अपना जब कभी भी हाइट पे काम करेगा उसका एज प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस पहनना चाहिए, उसको लाइफ एंड स्टेबल लाइफ एंड के साथ कनेक्ट भी करना। जब आप लोग ने हाइट पे काम कर रहे टाइम एमईडब्ल्यूपी आपको फुल फॉर्म समझता, मैन एलिवेटेड लिफ्टिंग वर्क प्लेटफॉर्म। मैन लिफ्ट में काम करने का टाइम उसका कंडीशन, मैन लिफ्ट का डेली चेकलिस्ट होना चाहिए, उसका मैन लिफ्ट का जो हाइट है हाइट लिमिट है उसको फॉलो करना चाहिए। वर्कआउट हाइट के लिए भी लिफ्टिंग जो परमिट टू वर्क होना चाहिए। मैं पहले बताया ना जो कॉमन हजार्ड फॉल फ्रॉम हाइट, जो उसमें एक्सप्लोरेशन नहीं है, ओपनिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेस बराबर रास्ता आने जाने का रास्ता नहीं है, और बैड वेदर कंडीशन कभी कभी जो ज्यादा विंड स्पीड आता हाइट पे काम करना खतरा है। जो मेन लिफ्ट का मैक्सिमम जो विंड स्पीड है 25 किलोमीटर का पर हवा का तेज आए तो मेन लिफ्ट काम सस्पेंडेड करना चाहिए। दोबारा आपको याद के लिए बताता हूँ एमईडब्ल्यूपी तो मेन लिफ्ट चेरी लिफ्ट सिसर लिफ्ट ऐसे बहुत सारा इसका जनरली एमईडब्ल्यूपी करता। मैं एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म कन्फाइंड स्पेस आप लोगों का मालूम है कन्फाइंड स्पेस का मतलब यही है जो तंग जगह हिंदी में कहते हैं उसका तंग जगह, जिस जगह पे आदमी आने का जब बहुत मुश्किल से आने जाने का है वही जगह का हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं तंग जगह। उसका आपको उदाहरण के लिए एग्जाम के लिए जो बड़ा टैंक है जो वेसल्स और मेन होल्ड ये चीज हम लोग होता है उसमें क्या खतरा है, उसमें खतरा यही है जो कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। एक आपके लिए जो नॉर्मल जो कंटेनर स्पेस का ऑक्सीजन लेवल 19.5 टू 23.5 ये लिमिट पे होना चाहिए ऑक्सीजन का लेवल, अगर कम होएगा तो मुश्किल है आपके लोगों का सांस लेने का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद कंबस्टिबल मटेरियल लाइक मीथेन हाइड्रोजन एसिटिलीन एक्सेट्रा, उसके बाद टॉक्सिक मटेरियल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद वेल्डिंग का जो वेल्डिंग करने का जो उसका स्मोक निकलता है ना फ्यूज, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल हजार है मैकेनिकल हजार भी है। ओके, इसका बेसिक कंट्रोल मेथड क्या, पिरामिड लाजिम होना चाहिए, PTW सिस्टम पिरामिड टू वर्क रिक्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंसड एंड ट्रेन्ड पर्सन, जो आदमी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने जाता है उसको ट्रेन्ड होना चाहिए, आदमी जो आदमी कॉन्फिडेंट जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके अलावा उसका काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आदमी का जॉब किसी भी जिस काम के लिए कन्फाइंड स्पेस में जाता है उसके बारे में उसको ट्रेनिंग भी होना चाहिए, उसके अलावा कॉम्पिटेंट एंड ऑथराइज्ड सुपरवाइजर भी होना चाहिए। पहले बताएगा जो कन्फाइंड स्पेस लॉकआउट टेकआउट का क्या जरूरत है, लॉकआउट टेकआउट यही है कोई भी खतरा काम के लिए, अभी मान लो प्रिवेंट है हजार्डस एनर्जी, मेनली हम लोग ने जो बिजली का काम करता है ना, बिजली का काम करने का टाइम
एक आदमी ने अपना काम कर रहा, काम शुरू करने के पहले पावर स्विच ऑफ करके अपना काम शुरू कर रहा, काम शुरू करने के टाइम अगर दूसरा कोई आदमी आके पावर चलाए तो क्या होएगा, आदमी मरने का भी खतरा है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो, इलेक्ट्रोशन होने का चांस है। इसीलिए काम शुरू करने के पहले उसका इलेक्ट्रिकल लाइन का स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ करके उसको एक लॉक भी लगा के उसमें टेक, जैसा अभी एक आदमी ना राजू प्लाना जगह पे काम कर रहा करके टैग भी लगा दिया, तो कोई आगे उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्यों, ऑलरेडी उसमें लॉक करके अपना टैग लगा होगा। उसके बाद फेटल फाइव मेन कॉसेस ऑफ लॉटो इंजुरीज, इसमें जो या मेन रीजन, मेन वजह क्या है, सबसे पहले फेलियर टू स्टॉप इक्विपमेंट, ये जो एनर्जी काम है काम करने का टाइम, क्या वजह से एक्सीडेंट हो रहा, आदमी क्या इंजुरी चोट इंजुरी भी हो रहा, सबसे पहले इक्विपमेंट का बंद करने के लिए भूल जाते, उसके बाद पावर का डिस्कनेक्ट करने का फेलियर हो जाता, उसके बाद जब काम शुरू कर फेलियर टू डिस्चार्ज द रेसिडुअल एनर्जी, जो आप लोग ने सुना होगा जो आरसीडी सुना होगा, अपना अपना जो ट्रिप होता ना आरसीडी, उसके अलावा दूसरा भी है उसका नाम है एयर्थ लीकेज सर्क्यूट ब्रेकर, ईएलसीबी हम लोग कहते हैं। ये ईएलसीबी कुछ सिस्टम पे जब इलेक्ट्रिकल शॉक होने के टाइम ईएलसीबी काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आदमी खतरा, ईएलसीबी जरूर उसका चेक कर रहा, जो इलेक्ट्रिकल जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला ईएलसीबी डेली नहीं तो वीकली चेक करना चाहिए, कोई रिपेयर हो तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। उसके बाद एक्सीडेंटली रीस्टार्टिंग ऑफ इक्विपमेंट, वो पहले बताया ना एक आदमी काम कर रहा उसने लाखों टैग आउट को फॉलो नहीं किया, दूसरा आके चालू करेगा तो उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फेलियर टू क्लियर वर्क एरिया बिफोर स्टार्टिंग, अपना काम शुरू करने के पहले अपना काम करने एरिया क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं करता उस वजह से आसन होता है। ओके, इसके लिए क्या कंट्रोल मेजर है, इसका कंट्रोल मेजर सबसे पहले PTW कॉम्पिटेंट, जो पहले बताया था वो सेम, जो प्रीवियस से आपने बताया कॉम्पिटेंट सेम, इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस अंडर ट्रेन्ड एम्प्लॉय, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर लॉटो प्रोसीजर, कॉम्पिटेंट अंडर ऑथराइज्ड सुपरविजर। टैग लगाना चाहिए, टैग के ऊपर डू नॉट ऑपरेट डिवीजन ये भी होना चाहिए, ये आपका एग्जाम। नेक्स्ट हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग, हजार्डस मटेरियल तो ऑयल केमिकल ए टाइप का, सबसे पहले डू एंड डोंट्स देखेगा, डोंट्स एंड डू, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, केमिकल स्पिलेज नहीं होना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ केमिकल इफ नॉट ट्रेंड स्टोरिंग फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल एनी नियर बाई सोर्स, कोई भी केमिकल ना हम लोग का स्टोरेज और हैंडल करने के टाइम उसका बिना ट्रेनिंग से नहीं करना चाहिए, जो आदमी जो हैंडल कर रहा हो स्टोरेज और इस्तेमाल कर रहा हो वो आदमी का जो केमिकल के बारे में ट्रेनिंग होना चाहिए, कैसा हैंडल करना, कैसा स्टोरेज करना, कैसा उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद क्या क्या फॉलो करना चाहिए, फॉलो MSDS इंस्ट्रक्शन, MSDS का क्या फुल फॉर्म है, मेटेरियल सेफ्टी डेटा सीट, जो मेटेरियल सेफ्टी डेटा सीट में क्या क्या मेन चीज होता है, जो मेटेरियल का नाम है, वो मेटेरियल किस काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहा, वो मेटेरियल का जो मैन्युफैक्चरर कौन है, वो मेटेरियल जैसे क्या खतरा है, अगर कोई प्रॉब्लम कुछ एक्सीडेंट कुछ हुआ है तो उसमें कंट्रोल मेजर क्या, उसका फर्स्ट एड मेजर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद मेटेरियल इस्तेमाल करने के बाद उसको कैसा सेफली डिस्पोजल करना, ये सारा डिटेल्स MSDS में, इसलिए कोई भी जो मेटेरियल आप लोग इस्तेमाल करें तो आपको बस MSDS होना चाहिए, सप्लायर से लेना चाहिए। उसके बाद स्टोर कीपर स्टोर हेल्पर ये लोग का प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, कैसा हैंडल करना, कैसा स्टोरेज करना करके,
उसके बाद कोई भी केमिकल रिपोर्ट ऐसा ज्यादा स्पिलेज ऐसा कुछ हो गया था, अनसेफ कंसर्न हो गए तो आप लोग ने इमीडिएटली अपना सुपरवाइजर और एचएससी टीम में, एचएससी टीम हेल्थ एंड सेफ्टी में पहले बताया ना, एचएससी टीम में आप लोग ने इन्फॉर्म करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। लिफ्टिंग, मैनुअल हैंडलिंग बैग मैकेनिक्स, इसमें कोई भी सामान हम लोग ने उठाने का टाइम एक लिमिट है, हम लोग ने अपना बॉडी के साथ हर एक आदमी सेम वेट नहीं उठा सकता, कोई 50 किलो तक उठा सकता, कोई 15 किलो ही उठा सकता, हर एक आदमी के अपना बॉडी का ताकत के हिसाब से। उसके अलावा सबसे पहले मेन चीज, कोई भी हैवी वेट का उठाने का टाइम क्या टीम, एक अकेला आदमी मेरा बहुत पहलवान है, मैं सुपरमैन ऐसा नहीं, अपना साथ वाला के बुलाकर टीम लिफ्टिंग करना चाहिए। जैसा जो फर्स्ट पिक्चर में, उसके बाद कभी भी आप लोग ने लिफ्टिंग करने का टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से वजह क्या होता है, देखिए जो अपना बॉडी का जो हड्डी है ना वो डैमेज होने का चांस है। कोई भी मटेरियल आप लोग ने जो वेट उसका फोर्स देना अपना लेग का, लेग का फोर्स लेना बैक करने कमर करने, कभी भी कोई भी मटेरियल लिफ्ट करके ऐसा टर्न करने का टाइम ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा करके लिफ्टिंग नहीं करना, उसको जैसे क्या इधर बैक का प्रॉब्लम हो सकता है। डोंट ट्विस्ट व्हेन लिफ्टिंग, जब लिफ्टिंग करने का टाइम ऐसा घुमा नहीं। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं उठाना, कमर में वेट नहीं देना, ये देखिए अपना लेग लेग से पूरा फोर्स अपना लेग पे होना चाहिए, कमर पे नहीं, ठीक है। अगर आप लोग ने कंटिन्यूस हमेशा के लिए कोई मटेरियल उठा के शिफ्ट करना तो ऐसा ट्रॉली इस्तेमाल करें सही, क्योंकि कुछ लोग का आदत हो जाता है बार बार कमर को इस्तेमाल करने का, टाइम क्या होता है बैक पेन है, बाद में धीरे 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 करके आदमी लोग का इसकी वजह से कमर में प्रॉब्लम होने के चांस है। हैंड एंड पावर टूल्स, हैंड टूल्स क्या, जैसे हैमर अपना पावर टूल्स में, हैंड टूल्स हैमर पावर टूल्स ग्राइंडर जो गार कोई भी मशीनरी है जो हैंड इस्तेमाल मशीनरी है ये ओके। इसमें क्या सेफ है क्या अनसेफ, क्या करना चाहिए, ये हैंड और पावर टूल्स इस्तेमाल करने के टाइम क्या सोचना चाहिए, कैसा सेफ्टी से काम करना, कैसा जैसा मिस यूज नहीं करना चाहिए उसके बारे में। जो आदमी जिसको ऑथराइज दिया, इसको अलग कंपनी ने तो अपना फोरमैन सुपरवाइजर अलाउ दिया, अलाउ किया, उसके बाद वो कॉम्पिटेंट ऑपरेटर होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब एक्सपीरियंस नॉलेज और ट्रेनिंग होना चाहिए जो मिशनरी पर्टिकुलर मिशनरी ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद फॉलो द प्रॉपर एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ पावर टूल्स, पावर टूल्स कैसा से प्रॉपरली उसको सेफ से ऑपरेट करना, वो प्रोसीजर जो मैन्युफैक्चर दिया होगा उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद पावर एंड हैंड टूल्स मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड प्रियर टू यूज, आप लोगों ने कोई भी जब हैंड और पावर टूल्स इस्तेमाल करने के पहले उसको चेक करना चाहिए, उसमें कुछ डैमेज है, उसका वायर का कोई कंप्लेंट है, केबल उसका हैंडल वगैरह है, ऐसा हर चीज चेक करके फ्री विजुअल इंस्पेक्शन करके उसके बाद उसको। कोई भी डैमेज टूल्स और इक्विपमेंट टूल्स हैंड और पावर टूल्स हुए तो आप लोग इस्तेमाल नहीं करना, अपना सुपरवाइजर फोरमैन का इन्फॉर्म करो, उसका रिपेयर करके इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो उसको अगर ज्यादा डैमेज हो तो उसका रिप्लेस करें। मटेरियल का जो गार्ड सेफ गार्ड का कोई भी हालत में रिमूव नहीं करना चाहिए, सेफ गार्ड अभी ग्राइंडर का गार्ड है ना, ये गार्ड का रिमूव नहीं करना, जरूर गार्ड होना चाहिए। अपना काम होने के बाद पावर टूल्स का सही जगह पे स्टोर भी करना चाहिए, जो आज का काम कल खत्म हो गया तो कल के लिए वो चाहिए, इसलिए सही जगह पे उसका प्रॉपरली स्टोरेज करना चाहिए। मशीन इक्विपमेंट सेफ ऑपरेशन, जैसा पहले बताया इसमें भी डू एंड डोंट्स का सेम है,
तो जिस आदमी के आपने फोरमैन सुपरवाइजर अलाउ किया वही है ऑपरेटर, और उसका कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, वही ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। फॉलो द प्रॉपर सेफ ऑपरेशन, सेफ तरीके से उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मैन्युफैक्चरर जो जिसने मशीन बनाया वो लोग का अपना ये मशीन कैसा सेफ तरीके से इस्तेमाल करना ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, उसी हिसाब से हम लोग ने उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी भी ऐसा मशीनरी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के टाइम जो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद डेली 3 इंस्ट्रक्शन, काम शुरू करने के पहले डेली मशीन का इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। मशीनरी अपना काम होने के बाद ऐसे चलते नहीं जाना, जब काम खत्म हो गया उसको स्विच ऑफ करना चाहिए। जो मशीनरी और इक्विपमेंट का ऑपरेटर कोई भी हालत में, जो ऑपरेटर जब नहीं आता कभी काम छोड़ के कभी बाथरूम जा रहा नहीं तो कभी पानी पीने के लिए जा रहा तो उसी वक्त क्या करना चाहिए, मशीन बंद करके चाबी मशीन का की ना की अपना साथ में होना चाहिए, मशीन गाड़ी पे नहीं छोड़ना चाहिए। मशीनरी का कोई भी सेफ्टी गार्ड का रिमूव नहीं करना चाहिए, अगर सेफ्टी गार्ड नहीं तो ऐसा रोटेटिंग पार्ट कोई भी हाथ पाव फंसाने के चांस है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने का भी चांस है। मशीनरी में कोई भी डैमेज या कोई प्रॉब्लम आ रहा तो अपने कुछ करने की कोशिश नहीं करो, अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो, उसका रिपेयर करें। सेफ ड्राइविंग, तो ड्राइविंग में भी जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, कोई भी आदमी बिना लाइसेंस से कंपनी के अलाउ है जो लाइसेंस की एक मिशन चला एक गाड़ी चलाना तो सबसे पहले लाइसेंस चाहिए इधर का कानून के हिसाब से, दूसरा कंपनी की तरफ से परमिशन चाहिए। ये जो आदमी की दोनों चीज से वही ये गाड़ी चला सकता है। काम शुरू करना है डेली का गाड़ी चलाने के पहले उसका मिशन स्टार्ट करके कंप्लीट फ्री इंस्ट्रक्शन सुबह सुबह डेली करना काम शुरू करने के पहले। गाड़ी चलाने का टाइम सीट बेल्ट लाजिम होना चाहिए। उसके बाद इधर का कानून, इधर का आजकल डेली हर एक महीना नया नया कानून आता, आप लोग का अपना गाड़ी का जो ड्राइवर है आप लोग ही बता रहा हूँ, जो ड्राइवर है आप लोग ध्यान से सुनो, इधर का गाड़ी चलाने वाला लाइसेंस चाहिए, कंपनी का अथॉरिटी चाहिए, उसके अलावा अपना फैक्ट्री से बाहर आप लोग ने मेन रोड पर चलाया तो इधर का ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। हो सकता है आपने इधर का कोई नया ड्राइवर है वो है तो आप लोग क्या करना है अपना जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है सुपरवाइजर है वो लोग का चेक करना है क्या कानून है, उसी हिसाब से आप लोग ने फॉलो करना चाहिए। कोई भी हालत में ओवर स्पीडिंग जो स्पीड लिमिट का क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक साइड तो जो गवर्नमेंट का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का फाइन भरना पड़ता, दूसरा एक अपने एक्सीडेंट का खतरा में नहीं पसंद है। आप अगर ड्राइवर होगा तो आपका रोड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ट्रैफिक इमरजेंसी प्रोसीजर का भी फॉलो करना। आप लोग कोई लंबा सफर जाएगा तो सबसे पहले प्लान करो वो रूट के, वो जो रूट का जितना भी पढ़ लो, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जा रहा आप लोग मालूम नहीं तो पुराना ड्राइवर नहीं था आपका इंचार्ज है वो लोग का रूट के बारे में पूछो, तो पहले प्लान करके उसके बाद होना रेडी होना चाहिए। कभी भी आप लोग ने गाड़ी चलाने का टाइम बैड वेदर जैसा जो फोग गिर रहा डस्टी जो ज्यादा लंबा लगता ना डस्टी तो रेनी का जो बारिश का टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर आप लोगों को सबको मालूम है जो हीट के बारे में गर्मी के बारे में गर्मी के टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जब जो कॉमन जो मेन चीज गर्मी है हीट एक्सॉशन हीट ट्रांस हीट स्ट्रोक ये तीन चीज है, ये तीनों हीट का रिलेटेड है। उसका साइंस उसके क्या क्या साइंस सिम्टम्स देखेगा, जब ज्यादा अपने शरीर से पसीना निकल उसके बाद ना बॉडी बहुत कमजोर हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ना बॉडी की गर्मी है ना वो बहुत बढ़ जाता है, जो अपना स्किन है ना स्किन भी जो कलर चेंज होता था उसको कहता है पहले स्किन। उसके बाद आप लोग ने चक्कर आना चक्कर भी आ सकता है, आदमी बहुत कमजोर हो सकता है। ओके अभी इसको कैसा अवॉइड कर सकता है, गर्मी में अभी तक काम तो हम लोग करना ही पड़ेगा लेकिन उसके लिए एक तरीका है,
उसका गर्मी से कैसा बचने का उसके बारे में मत देखें। सबसे पहले आप लोग ने पानी, जितना मर्जी आप लोग ने पानी पी सकते हो, जरूर पानी पीना चाहिए। ये नहीं है जब आपका पानी का प्यास लगता उस टाइम के लिए उस टाइम तक इंतजार करने का, ऐसा कुछ नहीं। सुबह सुबह आप लोग ने कल निकला अच्छा तरह पानी पी के काम पे जाओ। कभी भी हर एक आधा घंटा के बाद थोड़ा पानी पीते रहो, क्योंकि अपना बॉडी ना जितना भी पिसना बाड़ी से निकलता आदमी कमजोर हो जाता है। इसलिए आप लोग ने पानी जितना जरूर पीते रहना चाहिए। उसके बाद एक उसमें मेंशन किया ना, एक वन कप एवरी हाफ एन आवर ड्यूरिंग द समर सीजन। उसके बाद अपना खाना में जो नॉर्मल टाइम से थोड़ा तो गर्मी के मौसम में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक होना चाहिए, क्योंकि अपना बाड़ी से पिसना निकलता है ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। उसके बाद कुछ लोग जो दारू वारू पीने वाला जो गर्मी के मौसम में उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद इधर का जो कानून के हिसाब से दो तीन घंटा रेस्ट है, 12:30 बजे से 3 बजे तक वो रेस्ट टाइम पे आप लोग ने रेस्ट एरिया इधर है उसमें रेस्ट करना चाहिए। फिर आप लोग ने कोशिश करो अपना छुट्टी के टाइम में, नहीं तो फ्राइडे छुट्टी है छुट्टी का दिन मैक्सिमम बार जरूर वही तो जाना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम बार घूमना अवॉइड करो। अच्छा तरह रेस्ट करो, रेस्ट करके खाना वाना भी अपना खाना में एक्स्ट्रा जो फ्रूट्स वगैरह और कभी कभी दूध भी डेली रात को पिए होता अपना बॉडी के लिए तो ताकत भी मिलेगा। जो डायरेक्ट सनलाइट में मैक्सिमम काम करना अवॉइड करना चाहिए। बाई चांस इमरजेंसी कोई आपका साथ काम करने वाला आपका दोस्त लोग ने किसी के चक्कर आके नीचे गिर गया जो गर्मी की वजह से, क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो आदमी का तंडे जो साव में लेके जाना चाहिए। लेके जाके उसको जो जो कपड़ा है उसको थोड़ा टाइट कपड़ा होता है उसका लूज करके उसका फ्री जो वेंटिलेशन होना चाहिए। उसके बाद उसका जो नजदीक वाला कम से कम अपना काम करने जो होते अपना मेल नर्स है इधर लेके आना चाहिए, लेके आए तो वो लोग ने फर्स्ट एड देके उसका सही टाइम पे इलाज कर सकते हैं। इधर हम लोग ने पहले ही बताया था मैंने इधर बेसिक पीपीई उसके अलावा वर्क रिलेटेड पीपीई साइट मैंडेटरी। कोई भी आदमी अपना प्लांट के अंदर फैक्ट्री के अंदर आए तो वो लोग जरूर सेफ्टी सूट हेलमेट चश्मा कवरऑल जैकेट वाले ये तो जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा काम फेसिलिटी मान लो अभी चश्मा पहनना जब ग्राइंडिंग वेल्डिंग के करने के टाइम जब ग्राइंडिंग और गैस कटिंग करने के टाइम चश्मा होना चाहिए, हैंड ग्लोव्स सेम। उसके अलावा कोई डस्ट ज़्यादा डस्ट होता है ना उसी एरिया में काम करने वाला एक रेस्पिरेटरी मास्क पहनना चाहिए। जिसने मैं पहले बताया था 85 डेसिबल के ऊपर जब साउंड आता ना नॉइस उसी एरिया पे ईयर मार्क करना चाहिए, क्योंकि अपना काम का ईयर का प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मीडियम नॉइस 85 का अबव है फिर भी मीडियम हो तो ईयर प्लग यूज कर सकते हैं। जब ऊंचाई का हाइट पे काम करने का टाइम सेफ्टी गार्मेंट्स पहनना चाहिए। जब वेल्डिंग के काम करने का टाइम फेस शील्ड पहनना चाहिए। सेफ्टी प्रोइंग सेफ्टी अपना साइंस सेफ्टी साइन में 4 पॉइंट्स है। रेड कलर प्रोहिबिशन साइन है, अपने कोई भी प्रोहिबिशन मान लो नो स्मोकिंग डू नॉट जो एरिया पे किसी का अलाउड नहीं है ऐसा कोई भी हो तो रेड कलर का सेंटर पे एक लाइन आएगा वो सिंपल प्रोहिबिशन का। नेक्स्ट वार्निंग साइन आपने कभी येलो कलर का साइन देखा तो वार्निंग साइन जैसा लिफ्टिंग चल रहा है उसमें इस एरिया में नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रिकल हजार्ड है उसी एरिया में रेड प्रोहिबिशन साइन है सॉरी वार्निंग साइन है। मैंडेटरी साइन तभी अपना फैक्ट्री में काम करने का टाइम हेलमेट जरूर पहनना ही है जरूर लाजिम करना पड़ेगा मतलब ब्लू कलर। उसके अलावा ग्रीन कलर का जैसे आप देखिए अपना जो एंट्रेंस में फायर एग्जिट उसके बाद
वेयर टू असेंबली पॉइंट वो भी ग्रीन होएगा। उसके बाद स्मोकिंग एरिया उसमें भी ग्रीन कलर होएगा, असेंबली पॉइंट में भी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब सेफ है, जहां भी जा सकता है सेफ है। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर, आप लोगों का काम करने एरिया पे कोई भी इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फायर है, कोई ऑयल स्पिलेज है, कोई अर्थक्वेक है, कोई भी इमरजेंसी हालत में क्या करना चाहिए। इमरजेंसी हालत में इन केस ऑफ इमरजेंसी रेज द अलार्म, हर एक जगह पे मैनुअल अलार्म है, तो उसी हालत में क्या करना चाहिए, ऐसा फायर का जो निशान गिरा हुआ उसको ब्रेक कर, तो आपने जिस एरिया पे आप नजदीक वाला अलार्म है वो अलार्म आपने चालू कर सकते हैं, ठीक है, बाई चांस। नहीं तो मैनुअली आपने फायर नहीं तो कोई इमरजेंसी फायर हो गया, नहीं तो किसी के आगे तो आपने अपने मुंह से भी बता सकते, घर पर ही बता सकते। उसके बाद फायर आया तो क्या होगा, हम लोग का ट्रेंड फायर फाइटर है, फर्स्ट एडर है, वो लोग का वो लोग फायर रेस्पॉन्ड वो लोग का इंफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद जो अलग सही नहीं कंडीशन प्रॉब्लम है, ज्यादा फायर बढ़ गया, ये तो कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो क्या करना, सेफली आप लोग ने असेंबली पॉइंट में रीच होना चाहिए। इधर हम लोग इधर अपना फैक्ट्री के अंदर मेन ऑफिस के पास और मेस्कॉन के पास इधर भी है, तीन असेंबली पॉइंट है। आप लोग ने आपका जो असेंबली पॉइंट नजदीक है उसमें सेफली पहुंचना चाहिए। असेंबली पॉइंट में पहुंचने के बाद जो सेफ्टी डिपार्टमेंट से जो असेंबली पॉइंट कोऑर्डिनेटर ना वो लोग ने आपका एडवाइस करेगा, जैसा हेड काउंटिंग होएगा। हेड काउंटिंग होने के बाद हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग हेड काउंटिंग होएगा, टाइम कीपर से आप लोग का अटेंडेंस शीट चेक करेगा, चेक करके सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आप लोग ने जो असेंबली पॉइंट कोऑर्डिनेटर आपको बताएगा, उसके बाद आपने ड्यूटी पे आ सकते। ये है इमरजेंसी प्रोसीजर। असेंबली पॉइंट का लोकेशन आप लोग का जरूर मालूम होना चाहिए, अपना सुपरवाइजर का सुपरवाइजर जो इंचार्ज है वो लोग का कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोग फॉलो चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट क्या, वातावरण जैसा अपना पानी है, हवा और यही है एनवायरमेंट, अपने साथ इधर अनुभव में जो पेड़ वगैरह है नेचुरल, ये सब एनवायरमेंट है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के मतलब हजार का सेम है एनवायरमेंट का, केमिकल लीकेज, स्पिलेज, कॉन्क्रीट स्पिलेज, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एक्सेट्रा। हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट का कैसे हम लोग ने प्रोटेक्ट कर सकता है, अवॉइड एनी केमिकल हजमेट स्पिलेज, केमिकल है जो हजार आइटम है उसको स्पिलेज होना अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड डिस्पोजिंग वेस्ट वाटर एंड कॉन्क्रीट वाटर अंडर ग्राउंड, इधर वेस्ट वाटर है और कॉन्क्रीट वाटर का ऐसे अपने मर्जी से किधर भी हम लोग ने डिस्पोज नहीं कर सकता, उसके लिए अप्रूव्ड वेस्ट कलेक्टर है, वो लोग का फोन करा, थर्ड पार्टी अप्रूव होगा, वो लोग साथ अपना कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग इन्फॉर्म करे तो वो लोग इधर आके डिस्पोज करेंगे। अपने मर्जी से किधर भी फेंक गए तो म्यूनिसपालिटी से पेनाल्टी मिलेगा म्यूनिसपालिटी को। उसके बाद अवॉइड एंड कंट्रोल एयर एमिशन डस्ट सीमेंट, जो सीमेंट डस्ट ना उसको हवा में जाता है ना, जो एमिशन होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अवॉइड नॉइस एमिशन फ्रॉम मशीनरी, जो मशीनरी का टाइमली जो हम लोग ने सर्विस करेगा तो जो अननेसेसरी साउंड उसमें से नहीं आए। अवॉइड इम्प्रूव अपना वेस्ट स्टोरेज एरिया है, कोई भी वेस्ट है उधर स्टोरेज करना चाहिए। अपना काम करने एरिया पे गुड हाउसकीपिंग होना चाहिए, हाउसकीपिंग रेगुलर हाउसकीपिंग करने से अपना एक्सीडेंट भी अवॉइड कर सकता और जो वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपरली हम लोग फॉलो कर सकता है। उसके बाद वेस्ट आइटम हम लोग ने रीयूजेबल है और रीसाइकिल, उसके बाद रीसाइकिल सबसे पहले वेस्ट हम लोग ने मैक्सिमम रिड्यूस करना है वेस्ट वाला, दूसरा है कुछ चीज का रीयूज भी कर सकता है, एक डिपार्टमेंट का काम का जरूर नहीं पड़ेगा दूसरा डिपार्टमेंट का वो जरूरत होगा। उसके बाद रीसाइकिलिंग, और रीसाइकिल तो हम लोग इधर नहीं करता, बाहर थर्ड पार्टी है हम लोग ने जैसा पेपर वेस्ट और वुडन वेस्ट हम लोग दिए तो वो लोग ने रिसाइकल करता। अपने काम करने एरिया पे
कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग ने अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए, सुपरवाइजर सभी डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करेगा। अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग ने इधर इलाज कर सकते हैं, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हम लोग ने हॉस्पिटल में भेजेंगे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अभी अपना कंपनी में कोई भी आदमी इतना भी हम लोग ने ट्रेनिंग दे रहा, अभी इधर इतना टाइम आप लोग ने मैंने समझा दिया, फिर भी इसके बाद भी आप लोग ने कोई अनसेफ काम, कोई जो काम नहीं करना चाहिए अनसेफ, अनसेफ काम की वजह से किसी को चोट लग सकता, नहीं तो कंपनी की प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता, ये काम आप लोग ने जानबूझ के इंटेंशनली आप नहीं करेगा तो पहले बार तो हम लोग ने वन ईयर विदाउट डिडक्शन, नेक्स्ट टाइम विद डिडक्शन, नंबर थ्री डिडक्शन, नंबर फोर टर्मिनेशन। इसीलिए कोई भी आदमी वायलेशन नहीं करना चाहिए, सेफ्टी के सेफ्टी वायलेशन नहीं होना चाहिए, सेफ्टी से ही काम करना। एचएससी रिवार्ड, ये अपना कंपनी में तीन कैटेगरी का एचएससी रिवार्ड है। सबसे पहले वर्कर्स का, हर महीना एक आदमी का हम लोग ने सिलेक्शन करके वो लोग का सेफ्टी के बारे में हम लोग ट्रेनिंग दे के वो ये सब फॉलो कर रहा, उसी हिसाब से हम लोग सेफ्टी चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में आदमी टाइमली रेगुलर ड्यूटी विदाउट ऑप्शन, लास्ट सिक्स मंथ में नो यानी वायलेशन, सेफ्टी रिलेटेड वायलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा 10 कैटेगरी है, उसी हिसाब से आदमी सेलेक्ट करके हम लोग सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग दे के उसका अवॉइड सेफ्टी अवॉर्ड था मंथली 300। नेक्स्ट लेवल ड्राइवर, सेफ ड्राइवर लास्ट पर्टिकुलर सिक्स मंथ से कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, ऐसा कुछ कैटेगरी है, उस हिसाब से ड्राइवर का 500 देता। फिर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का क्वार्टरली हम लोग ने 1000 ग्राम देता सेफ्टी और बेस्ट सुपरवाइजर अवार्ड। ये तीन कैटेगरी है हम लोग हर महीना रेगुलरली हम लोग फॉलो करें। एचएससी प्लज, एचएससी प्लज मतलब यही है हम लोग का एचएससी प्लज का फॉर्म है, उसमें 15 पॉइंट्स है सेफ्टी के बारे में, जैसा विदाउट अदर सिस्टम मशीनरी नहीं चलाएगा, हमारा जब हाइट पे काम करेगा तो हमारा जो सेफ्टी सेफ्टी हार्नेस पहन के उसको हुक करके प्रॉपरली काम करेगा, विदाउट लाइसेंस से गाड़ी नहीं चलाएगा, ऐसा 15 पॉइंट्स है। वो हर एक नया आदमी और सप्लायर सब कॉन्टेक्ट आने के टाइम एचएससी इंडस्ट्रियल में साइन ले रहा, सेम टाइम ये भी अलग अलग लैंग्वेज में है, हिंदी अरबी उर्दू बांग्लादेश ऐसा चार पांच लैंग्वेज में है, अपने अपने लैंग्वेज में देखे वो लोग समझाते उसमें साइन करते। बस आपके तरफ से कुछ पूछना था पूछो, मेरा उम्मीद है जो मेरा हिंदी मैं तो फ्लूट हिंदी नहीं है, फिर भी मेरे से जितना होगा था आपसे आपका ट्रेनिंग दिया, आप लोग ने काम करने जगह पे सही तरीका से सेफ्टी से काम करके जैसा आपने अपना देश से आया इधर सेफ्टी से काम करके इधर से एक साल दो साल कभी भी